पहली बार सुप्रसमय मीडिया हाउस से सीधा वन टू वन टॉक हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, अश्विन कुमार जी श्रीवत्सलाव जी, हाँ सही समझे, आप बॉक्सिंग जी के सुपुत्र हैं। विशेष प्रतिभा के धनी, इनकी विशेषता उभर के बाहर आई। हमें जब पता लगा तो हमने आपसे आग्रह किया कि साहब आप इस विषय पर बात करने के लिए सीधे लाइव टॉक करें, ताकि समाज के बच्चों को, समाज के जो होनहार हैं उनको, युवाओं को एक इंस्पायर के रूप में, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आप काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी, आपने ये मौका दिया मुझे बुलाने का और मेरे से समझने का। ये एक, इसको कहते हैं ट्रैप शूटिंग गन, कहते हैं ट्रैप शूटिंग स्पोर्ट है ये, जो आपको याद होगा अपने राठौड़ साहब जीत के आए थे ओलंपिक, मेजर राठौड़ साहब ने जो डबल ट्रैप पे जीत के आए थे फर्स्ट टाइम इंडिया में। सेम वही स्पोर्ट है जिसको ये कहते हैं, एक किस्म से क्ले होता है, एक जो डिस्क होती है वो हवा में उड़ती है, और वो हवा में उड़ते हुए निशाने को निशाना लगाना पड़ता है। तो एक तो होता है डबल क्ले होता है, और एक होता है सिंगल क्ले होता है। तो एक तो होता है जिसमें डबल, मतलब दो एक साथ टारगेट उड़ते हैं जिसको आपको टारगेट करना पड़ता है, और एक होता है सिर्फ एक ही उड़ता है जिसको उसको निशाना लगाना पड़ता है। तो सूरत में जो हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ था, वहां पर मुझे गोल्ड मिले दोनों में, डबल में भी मिला गोल्ड और सिंगल में भी गोल्ड मिला। अब इस 19 तारीख को और 15 तारीख को इस महीने के गुजरात स्टेट का कंपटीशन हुआ था अहमदाबाद में, जहाँ पर मुझे डबल में भी ब्रॉन्ज मिला और सिंगल ट्रैप में भी ब्रॉन्ज मेडल मिला। जी सर, लेकिन ये कैसे पता लगता है आपको, या किस तरह से जो है पार्टिसिपेट करते हैं लोग उसमें? सर एक जैसे नॉर्मल आम स्पोर्ट होता है वैसे ये स्पोर्ट होता है, उसको आपको एक क्लब या एसोसिएशन ज्वाइन करनी पड़ती है, ज्वाइन करके आपको कोचिंग में लेना पड़ता है, कोचिंग लेके। इसमें स्पेशल यही है कि आप चूंकि आप वेपन से डील करते हो तो आपको यहाँ पर गन का लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको एक शूटर का नंबर लेना पड़ता है, और वो क्लब उसमें मदद करता है। मेरे क्लब ने जो सावली स्पोर्ट्स राइफल एसोसिएशन वडोदरा में है, वहाँ के जो ओनर है ईश्वर सिंह जी करके हैं, उन्होंने मुझे उसमें बहुत मदद की। मैंने जाके ऐसे ही कहा उनको कि सर मुझे स्पोर्ट्स में रुचि है और मैं ये स्पोर्ट्स का खेलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे पूरा पहला सवाल यही पूछा कि अश्विन जी आप इस एज में हो अभी क्यों, जी बंदूक का शौक तो इस एज में क्यों? तो मेरे मुंह से हंसी निकली और बोला सर अब तक तो कमाते रहे, अब शौक पूरा करने का सोचा है इसलिए हम उतर रहे हैं। नहीं, ये प्रश्न अभी मेरे मस्तिष्क में आया था, ये पूछने वाला था, लेकिन उन्होंने पूछा, सही बात है, जो एज ग्रुप है आपका, इस एज में क्यों उन्होंने पूछा, तो आपने क्या उत्तर दिया सर बताइए? तो ये बोला हर व्यक्ति के मन में अपनी कुछ बातें रहती है जो रह जाती है कर्म करने के चक्कर में या कमाने के चक्कर में, तो जब वो जब उस चीज से थोड़ा निवृत्त होता है या थोड़ा समय मिलता है तब वो सोचता है उसके बारे में, लेकिन वो ज्वाला अंदर जलती रहती है कि हाँ मुझे ये करना है। प्रतिभा प्रतिभा तो होनी चाहिए, प्रतिभा नहीं होगी तो इस बार कैसे होगा? अब प्रतिभा बोले या वो एक महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, ये एक बात रहती है। तो वो मेरे मन में हमेशा थी कि जब भी मुझे फुर्सत मिली या समय मिला तो ये स्पोर्ट मैं लूंगा जरूर और खेलूंगा। और जब राठौड़ साहब ने, राजवेंद्र राठौड़ जी ने जब गोल्ड मेडल जीता तब तो उसके बाद तो और ज्यादा हो गया कि चलो यार करना चाहिए, अभी वी शुड डू समथिंग, लाइफ तो ऐसे निकल जाएगी आदमी के चक्कर में या दुनिया के चक्कर में या कमाने के चक्कर में, पर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ खुद के लिए करे कि भाई हाँ हमने कुछ सिर्फ रात दिन काम ही नहीं किया, कुछ ऐसा भी किया जिससे अपना मन भी खुद का प्रसन्न हुआ। ये एक्चुअली खुद के प्रसन्नता के लिए किया, मैंने कोई मेडल जीतने के लिए या कोई कॉम्पिटिशन के लिए नहीं किया, मैंने इसलिए किया कि मैं इसके साथ जब रहता हूँ स्पोर्ट में तो मैं अपने अपने लिए रहता हूँ, मेरे लिए रहता हूँ, मैंने मेरे लिए कुछ किया ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो बाकी तो आप सब कुछ कर रहे हो, दुनिया के लिए कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो, दोस्तों के लिए कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो। ये आप अपने लिए कहा, मैं बताऊं आपको, अपने लिए कहा, लेकिन औरों के लिए एक ऐसा, एक जिसको कह सकता हूँ
प्रेरणा का स्रोत्र बनकर के आए हो, जैसे आपने कहा राठौड़ राजवर्धन सिंह की बात को आपने फॉलो किया कि उन्होंने वो किया अपने लिए किया, लेकिन देश दुनिया में जो है उन्होंने जो अपनी प्रतिभा का जो है लोहा मनवाया, तो आपने उनसे सीखा कि हाँ वैसा करना चाहिए। ये सब चीज आपको लाइफ में इसको लाइफ को भी स्पोर्ट्स की तरह लिया जाए तो आपको ये जो जो आप करते हो आपको लाइफ में भी वो काम ही आता है कि आपको कोई चीज करना है, कुछ करना है तो कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है तो उससे कंपटीशन करना पड़ता है, आपको बिजनेस में भी आप कंपटीशन करते हो उसको स्पोर्टिंग वे से लेना पड़ता है, कोई चीज जॉब मिले तो भी अच्छी बात, नहीं मिले तो भी अच्छी बात, मिली तो उसके ऊपर और मेहनत करके अच्छा बना दिया, नहीं मिली तो मुझे क्यों नहीं मिला उसका चिंतन करते हो आगे चले गए, वैसा का वैसा जैसे आप स्पोर्ट्स में करते हो टारगेट शूट करते हो, भाई आपने शूट किया तो अच्छा किया, क्यों किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वो आप डायरी में नोट करते हो कि हाँ मैंने ऐसा स्टेप्स लिए थे या मैंने ऐसा किया था इसलिए वो टारगेट सही दिशा सही गोल निशाना पे लगा, और नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा निशाना नहीं लगा उस पर, उसको आप नोट डाउन करते हो। तो इस ये जो लाइन को बातें हैं इस लाइन को मैं एक लाइन में कह दूं, दीवानगी, जज्बा। सर, आप आपके ऊपर छोड़ दूंगा सर, आप कह सकते नहीं, हैं। बिना दीवानगी कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता था, बिना जज्बा लिए हुए दीवानगी लिए हुए उस कार्य उस काम में पागल होना ही पड़ता है। लोग कहते हैं पागल, पागल शब्द का मतलब ही होता है पाए यानी पाना यानी गले यानी रास्ता। मैं आपसे इंस्पायर हूं अभी, मैं बताऊं क्योंकि मैं आर्मी का एनसीसी का सार्जेंट रह चुका हूं साहब, मैं आर्मी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, डिफेंस को जानता हूं, सार्जेंट रहा तो आप जानते हो राइफल हाथ में लिया है, मैंने भी चला है बहुत सारी चीजें, लेकिन आपका ये देख करके मुझे लगा कि अरे ये किसी पे कैसे मेरे से पीछे छूट गया, तो मेरे अंदर मेरे अपने लिए मैंने आपका सीधा लाइव इंटरव्यू लिया या वन टू वन टॉक शो किया कि किस तरह से आपने किया होगा, क्या हो रहा होगा, किस तरह से जुनून। सर ये कितने दिनों की यायावरी या कितने महीनों की यायावरी से आपने गोल्ड मेडल हासिल किया और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया सर? तो ये 2.5 साल से कर रहा हूँ मैं, 2.5 साल से मैंने जो 2.5 साल पहले स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया था, 2.5 साल की प्रैक्टिस से मैंने ये कर रहा हूँ। जी सफलता का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं सर? नहीं 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 सर, जैसे आपने कहा एनसीसी में आप थे, मैं भी एनसीसी में था, वो मन में अंदर रहता है बंदूक चलाना है और वो जो एक अधूरा सपना रहता है वो पूरा करने के सोच रहे थे। मैं भी अंडर ऑफिसर रहा, मेरा सिग्नल रेजिमेंट था जो था, सिग्नल्स था, टेक्निकल इंजीनियरिंग में था तो मैं सिग्नल्स में था, तो हमने इन्फेंट्री के साथ मिलके थोड़ा सा एक उसको वॉर गेम तो नहीं बोल सकते लेकिन एक मॉकअप होता है जहाँ इन्फेंट्री वाले आगे जाते हैं, स्मोक उड़ता है, हम सिग्नल्स वाले वायरलेस सेट अपने पीछे लेके आगे जाते हैं, हम भी अपना 303 गन लेके जाते थे, वो कहीं ना कहीं मन में रह जाता है कि अधूरा चीज रह जाती है, इसको पूरा करने के चक्कर में अपन सोचते चलो अपना जब काम खत्म हो आएगा तब अपन करेंगे। तो जब बच्चे भी कमाने लग गए, बच्चे ने भी केमिकल इंजीनियरिंग कर दिया, उसमें 8 साल से मेरे साथ कंपनी में कंधा से कंधा मिला के काम कर रहा है, तो मुझे भी थोड़ी समय मिल गया तो समय का कैसा सदुपयोग कर सकते हैं, तो चलो थोड़ी भक्ति भी करेंगे और थोड़ी ये भी करेंगे, सोचा अपना पुराना सपना भी पूरा करेंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने, मैं तो उस सर्टिफिकेट को लेकर के जब देखता हूँ तब इंतजार करता हूँ कि कभी मुझे भी बॉर्डर पर जाने का अवसर मिलेगा। एनसीसी के सार्जेंट के बिहाफ पे इतना आज भी जज्बा है, और आपने कहा मैंने भी एनसीसी ज्वाइन किया सार्ज किया, तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है सर के इस तरह की सामाजिक या इस तरह के जीवन यापन करते हुए एक उद्योग में संलग्न रहते हुए नेशन के लिए राष्ट्र के लिए या अपनी प्रतिभा है उसको बराबर स्पार्क रखने के लिए अपनी प्रतिभा को जो है वार्म रखने के लिए इस तरह के कार्य होने चाहिए। हाँ क्यों नहीं सर, अभी जैसे एनसीसी अपने हम सबको आपको और मुझे जो बोल्ड किया एनसीसी ने बोल्ड किया है, अपन अपन बोल नहीं बोल सकते हम फोर्स में थे बट हम कुछ तो हिस्सा थे फोर्स का, उस फोर्स ने जो हमको डिसिप्लिन सिखाया, उस फोर्स ने हमको जो एक जुनून सिखाया या पागलपन सिखाया जो आप कह रहे थे अभी, वो वहां से आता है, बेसिक ट्रेनिंग से आता है, वो ट्रेनिंग अपने मन में कहीं रहती है। आप भी जो आज सक्सेसफुल इतने हो अपने फील्ड में, जो जुनून है आप ना आप देखते हो ना ताप देखते हो, किसी में घुसना है जाके उसको कुछ पूछना है तो आप पूछते हो बिना भय से, बिना, और आप हमेशा नीति से पूछते हो, हमेशा ढंग से पूछते हो आपने, क्योंकि आपको फोर्स के आदमी ने ट्रेन किया था। तो मुझे भी मैं भी अपने आप को अगर
बिजनेस में या कहीं भी सक्सेसफुल पाता हूँ, क्यों मेरी बेसिक ट्रेनिंग थी थोड़ी बहुत, जो भी एनसीसी ने फोर्स ने मुझे सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया, किसी के पीछे पड़ना तो बरोबर से उसका लक्ष्य प्राप्त करके निकलना, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जो हमको वहाँ के जो जूनियर ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स और एनसी जेसीओस और जो मेजर साहब सिखाते थे, वो कहीं ना कहीं बचपन में बात रह जाती है मन में, और जब बाहर निकलती है, जब समय आता है, तब अपने आप निकलती है वापस। एक बढ़िया, सही सबसे सही बड़ा बात है सर। डिसिप्लिन, एक सबसे बड़ा डिसिप्लिन समय का, आपके पिताश्री माननीय बाग सिंह जी उद्योगपति, वो समय के बड़े डिसिप्लिन है और उसी चीज को आप भी फॉलो करते हैं। ये चीजें कहाँ से कैसे शुरू हुई सर, ये बताएं थोड़ा। तो ये उनका ये भी जैसे उनके खुद का, आप जैसे कह रहे, सेल्फ इनबिल्ट होता है आदमी का, बहुत सारी चीजें होती है, कुछ परिवारों में होती है, परिवार में होता सिखाया जाता है कि अपने कैसे किसी दूसरों का समय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, दूसरे के समय का भी मान रखना चाहिए। तो वो छोटी छोटी बातें जो परिवार में थी, जो पिताजी के अंदर थी, वही फिर आगे चलती गई अपने कंपनी में, सीपी में वही लागू होता गया। आज भी जो कंपनी में काम करते हैं वो चल, तो वैसा मेरे बड़े भाई जगदीश भी वैसे ही हैं, विजय भी छोटा भाई जो है वो भी वैसे ही है, सब अपने अपने डिसिप्लिन में, अपने अपने स्किल में आगे बढ़ते हैं। यानी डबल क्वालिफिकेशन मिला आपको, अनुवांशिक गुण भी मिले हाँ हैं और आर्मी बैकग्राउंड भी मिला, ये एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। तो समाज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, अगर आप बात चल पड़ी है तो डिसिप्लिन की बात करें या फिर जुनून की बात करें, या सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आगे बढ़ने के लिए क्या पैमाने होने चाहिए, चाहे इंडस्ट्रीज में हो चाहे व्यापार में हो, तो आप दो टूक समाज के उन लोगों को, क्योंकि मैं उस व्यक्तित्व से बात कर रहा हूं जो एक सफल उद्योगपति है, उस व्यक्तित्व के धनी से बात कर रहा हूं जो सफल जिस क्षेत्र में जाता है अपने जो है झंडे गाड़े हैं, और आज आपने देखा 2.5 साल के अंतराल में गोल्ड मेडल हासिल करना, ब्रॉन्ज मेडल हासिल करना बड़ी उपलब्धि। समाज के युवाओं को, उद्यमियों को किस तरह से आगे बढ़ने का जो है एक अवसर मिलता है, और उसको अवसर को किस तरह से जो है खोना नहीं चाहिए। जी, हम सब बहुत एक किस्म से लकी हैं कि हम सब आज पर समाज में जन्म लिया। बहुत सी चीजें तो हमारे ये समाज के वजह से और इस कुल में जो पैदा हुआ, वही हमको अपने आप डिसिप्लिन में ढाल देता है, क्योंकि हम सब खान पान के शुद्ध हैं, वो मेंटेन करते हैं अपन, अपन आचार विचार से शुद्धता मेंटेन करते हैं, वो सब उठना बैठना जो बचपन से माँ बाप सिखाते हैं वही डिसिप्लिन है। और क्या है सर, आपको देखा जाए तो अपने घरों में अपन जब पहले छतों में सोते थे, सुबह जल्दी उठ के निकल जाते थे, सब कुछ करते थे, आज भले अपन कमरों में बैठे हैं, हमारी माँओं ने, हमारे पिताजी ने हमने यही बोला भाई, सुबह टाइम पे उठ जाना चाहिए, टाइम पे आपको जॉगिंग करना चाहिए या पढ़ाई करना चाहिए, आपको अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि मैं आज दिन भर में ये करूंगा, मैं आज हाँ हूँ तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, पढ़ाई तो मैं करूंगा, उसके अलावा बिजनेस तो करूंगा मैं, और क्या क्या करने वाला हूँ, अपने आप के लिए बात करना, अपने आप से सोचना कि आज मैं अपने बिजनेस में क्या काम करूंगा, परिवार में क्या करूंगा, समाज के लिए क्या काम आऊंगा, दोस्त को क्या काम आऊंगा, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उसके लिए मैं क्या आज उपयोगी होगा। वैसे एक एक कोई भी चीज होती है वो उपयोगी होती है, उसकी कदर होती है, जो उपयोगी नहीं होती उसे कोई कदर नहीं होती, भले वो एक झाड़ की लकड़ी हो, वो माचिस की तिल भी बनती है, पर वो उपयोगी होती है। आप किसी भी चीज को ले लो धरती पे, अगर वो उपयोगी नहीं है तो वो कूड़े में पड़ा। तो वैसा भी हम सब भी वैसे ही है सर, अगर हम सब उपयोगी नहीं होंगे हमारे परिवार के लिए, हमारे साथी के लिए, हमारे बंधु के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे किसी भी इर्द गिर्द में कोई भी हो, हमें उपयोगी होना चाहिए कि आज मैं किसके सदउपयोग कैसे आता। आपकी एक लाइन में अंग्रेजी में कहावत याद आई मुझे, कह दूं मैं आपको, आपने जो बात कही, वर्क वाइल वर्क यू, प्ले वाई प्ले, दैट इज द वे ऑफ हैप्पी ऑन के, आपने यही बात कह दी कि काम के समय काम हो, वर्क काम, एग्जैक्टली और सारी चीजें समय पर हो तो निश्चित रूप से हमारा उपयोग हो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, तब तो हमारी जीवन उपयोगी देता है हमारे जीवन की, वरना बहुत सारे जीवन में लोग आते हैं चले जाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और वो जज्बा अश्विन जी में आप देख रहे हैं साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमारी और समाज की और देश की,
और अभिनंदन आपका कि इस तरह के कार्यों में हमेशा आपको इस ऊपर वाला भगवान सफलता प्रदान करे और इसी तरह से देश समाज के लिए तरक्की करे, उन्नति करे और आगे बढ़ते रहे। हमारी तो मंगल यही शुभकामना है सर। बहुत बहुत अभिनंदन सर बात करने के लिए सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।